हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं एक वीडियो लाया हूँ पाइपर से रिलेटेड, जिसमें कि लेफ्ट वाला जो वाइपर रहता है, जब वाइपर आप चलाएंगे तो ये इस जगह पे आ जाता है, जब किसी पोजीशन है यहाँ पे, लेकिन ये आ जाता है मेरे M2DI से CR में भी यही प्रॉब्लम थी। इसमें वाइपर यहाँ नीचे आ जाता था, बट अभी मैंने सही कर दिया, तो सेम ही है। सारे जितने भी बुलेरो हैं, यहाँ जो आ रहा है ना, इसको सही करना है। तो इसको सही करने के लिए हमको ये कैप हटाना है। कैप हटाना बहुत बड़ी बात नहीं है, ये इसमें कुछ रहता नहीं है, बस इसको हल्का पकड़ के ऊपर करना है और ये आपका ऐसे बाहर आ जाएगा, साइड में रखना है। अब इस बोल्ट को लूज़ करना है। ये बोल्ट मेरे ख्याल से 12 या 13 नंबर का है। मेरे ख्याल से ज़्यादा प्रॉबलिटी है कि ये 12-13 नंबर का है। तो अभी मेरे पास एडजस्टेबल स्पैनर है, तो इसको हम लोग खोलेंगे। टाइट नहीं रहता है, ये फर्स्ट टाइम मेरा खुल रहा है। 2006 मॉडल है, आसानी से खुल गया क्योंकि इस पर पानी लगता नहीं है, तो इसमें कुछ रहता नहीं है। बस इसको हमको हल्का ऊपर ऐसे नीचे करना है, ये निकल जाएगा आपका। देखिए इसमें कितना वेस्ट है। तो ये क्या है, चलते चलते हमारा खिसक जाता है। देखिए कितना जंग लगा है इसमें, पानी जाने के चांसेस यहाँ से भी रहते हैं, बट मैक्सिमली यहाँ से पानी जाता है आपका। तो यहाँ पे कंसंट्रेट करेंगे हम लोग अपने टॉपिक पे, जो कि हमारा ब्लेड नीचे आ जाता है। तो अब इसको हम दोबारा ऐसे लगाएंगे और इस अपने वाइपर को यहाँ रखेंगे, तो देखेंगे कितने पे हमको अपना वाइपर सही लग रहा है। तो हमारा ये वाइपर है, हमको इतने पे सही लग रहा है, देख सकें कितने पे सही लग रहा है। अब इस बोल्ट को हम लोग, सॉरी मैंने गलती कर दिया, हमने ये सील नहीं लगाया, इसको हम लोग वापस लगाएंगे। ये इतने पे सही लग रहा है, इतने पे, ठीक है। देखिए ये गैप और ये गैप लगभग सेम है। आप मेजरमेंट का भी यूज कर सकते हो, बट मुझे उतनी कुछ खास ज़रूरत नहीं है मेजरमेंट की। और इसको हम लोग एडजस्ट करके रखेंगे यहाँ पे, पकड़ के रखो, यहाँ पकड़ के रखो इसको, ऊपर साइड से नीचे ना जाए। इसको हम लोग वहाँ पर टाइट कर देंगे। ये हमारा टाइट हो चुका है, एक हाथ से आपके लिए वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। पकड़ो, प्रॉपर टाइट हो गया। अब हम इसका कवर वापस लगा देंगे, लग गया, क्लीन हो चुका है। अब हम चलाएंगे इसका वाइपर, देख सकते हैं वापस नीचे नहीं आ रहा है। देखिए वापस, देखिए आ गया जगह पे। अब हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं और अब हम अपने वाइपर को एक्टिवेट करेंगे। ये देखिए ये अपने जगह पे आके रुक रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।